गर्खी दादरी से एक सिंचाई कर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सिंचाई कर्मी नहर के किनारे सोकर अपनी रात काट रहा है। गर्खी दादरी में सिंचाई विभाग के कनाल गार्ड ड्यूटी जान हथेली पर रखकर करने को मजबूर है, और इसकी इस मजबूरी की कहानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बेलदार का कहना है कि विभाग ने नहर पर कमरा तो बनवा दिया, लेकिन कमरे में न लाइट है, न ही कुर्सी और न ही चारपाई। ऐसे में वह रात भर होदी के किनारे रात बिताने को मजबूर है। दरअसल अगर वो होदी के ऊंचे किनारे पर ना सोए तो रात को उसको सांप और कीड़ों के काटने का भय बना रहता है। ओ भाई, कौन सा भाई तू? भाई बेलदार हूँ मैं तो। भाई बेलदार से तू किस डाल सकते है? भाई ड्यूटी हो रहा है। ड्यूटी है इस होदी के ऊपर मेरा 1.5 फुट की पटरी रही। कमरा में तो लाइट को नहीं जी। नहर चल रहा है बंद से भैया। नहर या मायने तो बंद कर रखे जी। बंद कर रखी तेरा सुत्या को धक्को मार गये थे हमें। तो इनके जी कमरा में तो लाइट को नहीं जी, ना चारपाई किस को जी। भाई चारपाई में एक मंदे कौन रखी? ना जी कौन दे रखी, कह ली कई बार कह ली, लाइट कौन दे रखी थी भाई। तो पानी में कितना पड़ गये देखिए, 1.5 फुट की पटड़ी रही, क्यों कर रहे जाओ इसको ऊपर नीचे सुबह। तो कनाल गार्ड यहाँ पे पिछले 4-5 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, और मैं महकमे को बार बार बता चुके हैं कि रात के टाइम यहाँ पे ये तो मेन रास्ता चलता है, यहाँ पे कोई मतलब उपद्रव प्रकार के आदमी आते जाते रहते हैं। अकेला आदमी कमरे के अंदर, ना ही तो लाइट है, ना ही रहने के लिए चारपाई है, ना ही तकत है। लाइट के बिना नीचे जमीन में सोएंगे तो यहाँ पे सांप वगैरह जंगली जानवर भी हैं, कैसे जा पा रहेगा। मैं रात को, कल रात को मेरी ड्यूटी थी, दिन में मेरी ड्यूटी थी, रात को भी यहीं थी, मैं इस ओदी के ऊपर मैं यहाँ पे सोया हुआ था। वही कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि इसको लेकर अधिकारियों को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक ना कोई सुविधा मिली है। अधिकारियों से मांग है कि नहर के पास बेलदारों के लिए एक तख्त, कुर्सी, लाइट और पानी का इंतजाम किया जाए। अच्छी तरह मालूम है अधिकारियों को भी, यहाँ इतना अड़ंगा और बरसात के समय में इतने जंगली जानवर, सांप, गोबेरे ऐसे होते हैं कि नीचे जमीन में बैठा नहीं जाता, छोड़ने की तो बात पर है, बैठने के लिए भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि यहाँ बैठने के लिए तख्त या कुर्सी का प्रबंध कर, लाइट और पानी का प्रबंध किया जाए। बहरहाल अब देखना होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद अब सिंचाई विभाग नहरों की पटरी पर बनाए कमरों में कब तक सुविधाएं उपलब्ध करवा पाता है।